जीत गए अविनाश मिश्रा और विवियन डी सेना। जीतना ही था, आखिरकार पलड़ा भी तो इधर ही भारी था। पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे विवियन डी सेना कि भाई अगर कुछ भी होगा तो शिल्पा ही बनेगी घर की टाइम गॉड। अब दो दावेदार बने जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया और देख भी लिया भाई, बताया क्या, देख भी लिया आप लोगों ने प्रोमो में, क्या एपिसोड में देख लिया है कि रज्जो और शिल्पा जो है वो दावेदार बन गई है। दावेदार के साथ कुछ तो ऐसा होगा ना कि पूरा घर का घर इन्वॉल्व हो। तो बिग बॉस बड़ा मस्त सा टास्क लेके आई है कि भाई ऐसा करते हैं कि दो दावेदारों को देते हैं टोकरियां, ठीक है, बास्केट्स देते हैं, जिस बास्केट को वो अपने कंधे पे डाले रखेंगे, पर छुपना नहीं है कहीं पे, कुछ भी नहीं करना है, उसमें रहेगा सामान। और वो सामान जो है, जो आखिरी बजर तक जो बचा रहेगा, जिसकी टोकरी ज्यादा वजनदार रहेगी, वो जो है नया टाइम गॉड जो है वो बन जाएगा घर का। तो अब आप देखिए कि शिल्पा की तरफ पलड़ा कितना ज्यादा भारी था। शिल्पा शरोदगर की तरफ तो सभी लोग थे, करण भी था, चुम भी थी, श्रुतिका भी थी, विविन, अविनाश, ईशा, एलिस, सभी लोग उधर थे, बग्गा भी, सारा भी, सब लोग ही तो उधर थे, कोई भी इधर तो था ही नहीं। इधर था जो है दिग्विजय और कशिश, बस इतने ही होंगे, चाहे एक आधा जो है वो और भी मिला लो, पर सब लोग जो इधर थे, पलड़ा इधर भारी था। तो ये लोग जीत गए हैं और इसीलिए शिल्पा बन चुकी है नई टाइम गॉड। मजा नहीं आया भाई ये टाइम गॉड का, पर टास्क जीत गए हैं विवियन अविनाश ये लोग, उस चीज को देख के जो है, उस चीज को सुन के और बता के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आप बताइए आपको आया मजा या नहीं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।